नमस्कार, लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुणा त्यागी। उत्तर प्रदेश के नोएडा समेत गौतम बुद्ध जिले में तैनात होने वाले तमाम ए ग्रेड श्रेणी के अधिकारियों को नोएडा प्राधिकरण की ओर से सेक्टर 14A में आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आवास का किराया उनके तैनाती के दौरान ए ग्रेड के हिसाब से वेतन से काट कर प्राधिकरण के खाते में जमा होता है। ऐसे में तैनाती पाने वाले अधिकारियों को यह आवास भवन प्राधिकरण का सामान्य प्रशासन विभाग आवंटित करता है, लेकिन जब संबंधित अधिकारी का तबादला हो जाता है तो उसे सामान्य प्रशासन की ओर से खाली नहीं कराया जाता है। ऐसे में भवन आवंटन को लेकर बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें तमाम ऐसे अधिकारियों का अभी भी प्राधिकरण से आवंटित भवन पर कब्जा है, जिनका तबादला नोएडा ही नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर से हुए। कई वर्ष बीत चुके, कुछ तो रिटायर भी हो चुके, लेकिन तबादला और रिटायर होने के बावजूद अधिकारियों ने अभी तक आवंटित भवन को खाली तक नहीं किया, जबकि नियम अनुसार तबादला होते ही उन्हें तत्काल आवंटित भवन से खाली करना होता है। ऐसे में 6 अधिकारियों को भवन खाली कराने का नोटिस नोएडा प्राधिकरण ने जारी किया है। यह नोटिस उनके आवंटित भवनों पर चस्पा कराया गया है, जिसकी मियाद शुक्रवार को खत्म होने जा रही है। अब अधिकारी भवन न खाली करने के लिए सिफारिश लगा रहे हैं। यह भवन 6 अधिकारियों को आवंटित है। इसमें से कोई भी व्यक्ति लंबे समय से नोएडा ही नहीं गौतम बुद्ध नगर में भी तैनात नहीं है। प्रदेश की एक महिला आईएएस आराधना शुक्ला, जो नोएडा प्राधिकरण में अगस्त 2015 से जून 2018 तक तैनात रही, इस दौरान प्राधिकरण में उनके लिए भवन आवंटित कराया था, लेकिन तबादला होने के बाद भी भवन नहीं छोड़ा। अब हालात यह है कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी उस भवन का कब्जा है। दूसरी महिला आईएएस मोनिका गर्ग है। ये अगस्त 2016 से मार्च 2017 तक नोएडा प्राधिकरण में रही, वर्तमान में प्रदेश में कहां तैनात है इसकी जानकारी प्राधिकरण अधिकारियों को भी नहीं है। उन्होंने भी कहा कि अभी तक भवन खाली नहीं किया। एक आईएएस राजेश प्रकाश भी हैं। ये अक्टूबर 2014 में नोएडा प्राधिकरण आए और जुलाई 2016 में इनका ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद अप्रैल 2017 एडिशनल कमिश्नर एनसीआर गाजियाबाद में तैनात रहे। अब इन्होंने नोएडा का भवन नहीं छोड़ा। इसके अलावा आईएएस अनुराग श्रीवास्तव दिसंबर 2017 से जनवरी 2020 तक नोएडा में रहे, उन्होंने भी बंगला खाली नहीं किया। आईपीएस लव कुमार का दिल्ली में ट्रांसफर जनवरी 2023 में हुआ, हालांकि उन्होंने अर्जी दी है कि वे जल्द ही भवन खाली कर देंगे। ट्रांसफर होने के बाद नोएडा नहीं छोड़ने की एक सबसे बड़ी वजह यह है दिल्ली का नज़दीक होना, साथ ही यह भी रहन सहन भी कई बार बड़े अधिकारियों को नोएडा नहीं छोड़ने का कारण बन रहा है। नोएडा में वर्तमान में मंत्रियों से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के खुद के घर, इसलिए एक बार भवन मिलने के बाद अधिकारियों के ये भवन छोड़कर दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि नोएडा प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि नोटिस भवनों पर चस्पा किए गए हैं, फॉलो अप करते हुए एक बार और नोटिस जारी किया जाएगा, इसके बाद नियम के अनुसार आगे काम किया जाएगा।